औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी भाई लोगों को मेरा सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी खुशी हो रही है, आप लोग बगैर कोई सोचे समझे के इलेक्शन के लिए एमआईएम के तरफ से इतने लोग जमा होते हैं कि मुझे इतनी बड़ी खुशी हो रही है। आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं हर टाइम पे कांग्रेस के साथ में था। क्यों था? क्योंकि हालात ऐसे थे बोल के कि क्यों दूसरी कोई पार्टी बराबर काम नहीं करती थी बोल के। एक बार मैं और फहीम अपक्ष भी चुनकर आए थे, तो वो टाइम पे हम बगैर कोई मुआवजे के उनको सपोर्ट दिए थे। फहीम में आपको पूछी ये बात कि हमने कोई पैसे लेके बिके नहीं थे। जब भी अल्लाह के करम से कि नहीं, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है आपकी दुआ से कि मैं कितना जाहिर नहीं कर सकता हूँ। और नांदेड़ के अंदर मेरे ताल्लुक से सभी को मालूम है कि साबिर चौस बिकने वाला आदमी नहीं है और चौहान के दम नहीं है उसमें मेरे को खरीदने के लिए। चौहान को दम नहीं है जो मेरे को खरीदने के लिए। ये जो लोग हैं ना, सिर्फ अफवाहें करते हैं। जब है कि नहीं, दिल्ली के अंदर मैं फहीम वो लोग गए थे तो उनको बोले, साहब हम चुनकर आए वाले हैं तुम्हारे पास से, हमारे लोगों के लिए पानी के लिए टैंकर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें, चलो चलो देखेंगे बोले। क्या लगाए बोले, अभी देखेंगे बोले। मतलब फहीम क्या बेइज्जती कर रहे हैं बे, माखी अलग ले जाके कैसा करने का है, देखो अच्छा दिख रहा है क्या? मैं बोला नहीं रे भाई बोले, जान दे बोले, मेरे को देखा कि ऐसी कर रहा बोले इन्हें। अरे मतलब क्यों ऐसा कर रहा था, देख के ऐसा? अरे जान दे बोले, सुख खामोश बड़ बोले, आगे बात ना मत करूँ बोले। मतलब फहीम ऐसा नहीं रहता रे। मैं बोला अरे बहुत ताप दे रहे, बहुत सता रहे, मैं बोला अपने को ही ना। मोला नहीं रे बोले, जान दे बोले, खामोश बड़ बोले, उन्हें मेरे को देखा कि ऐसी कर रहा बोले। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कि नहीं, हर काम के लिए एक मशवरा किया जाता है। हमने बोले भाई, हम लोगों ने बोले कि भाई कोई भी काम करने के लिए, तो बोले यार बोले आके उन्हें अपने को स्टैंडिंग नहीं देता बोले। जान दे रहे माला, कोई कई की स्टैंडिंग आई है माला, अपने में दम रहा तो अपन लड़ी एक स्टैंडिंग मिलती। मैं बोला अपने नसीब में रहेंगे। तो फिर कुछ दिनों के बाद में ऐसा मालूम हुआ हमको कि भाई कांग्रेस सिर्फ हम लोगों का इस्तेमाल कर रही है। हम जो काम बोलते हैं वो हमारे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम जब भी उनको कोई बात बताए कि भाई कश्मीर के अंदर इतने हालात ख़राब हो रहे, कश्मीर के अंदर इतने हालात ख़राब हो रहे, अपन 23 नगर सेवक मुस्लिम के है, जाके एक निवेदन वो देंगे। नहीं नहीं साहब क्या बोलते कि, अरे भाई साहब क्या बोलेंगे, लोग अपने को चुन के दिया ले, समझ रहे जाओ बात को, लोग हैं कि नहीं मारेंगे थोड़े दिन के अंदर। मैं बोला नहीं 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 बोले, अपने को नहीं जमता बोले, तुम्हारा क्या है तो देख लो बोले। देखो कुछ बनने का नहीं है क्या है? अबे उन्हें क्या बनाता, अल्लाह ताला मेरे को बनाने वाला। मैं बोला छोड़। मैं बोला तो उनको भी मालूम है कि मुझे जो है जो चाहता हूँ मैं वो करके दिखाता हूँ उनको, ये मेरा कोई नया नहीं है। और उन्होंने मुझे वोट दे के जिता के नहीं लाया, मैंने उनके उम्मीदवारों को बार बार मेरे साथ में लेके जिता के लाया वाला हूँ। आप नांदेड़ में जाके कहीं से भी पूछ लो, साबिर चौस कैसा आदमी है और क्या कर सकता और क्या क्या करके दिखा सकता, उसमें कितना दम है बोल के। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि भाई इतने सालों से ये एरिया अपना है कि इसके अंदर है कि नहीं, एक सरकारी बैंक क्यों नहीं लाए आप? एक सरकारी बैंक लाना था ना भाई, क्यों नहीं लाए? क्यों? तो हम जो काम बोलते वो काम करने की उनकी ख्वाहिश ही नहीं रहती ना। इस वजह से हम लोगों में भी एक ही नहीं, एक है कि नहीं मुर्दार बना आगा दिन पे दिन, दिन पे दिन। तो अल्लाह ताला ने देखो कौन से भी काम के लिए हिम्मत जुटाना पड़ता, हिम्मत जुटाए जा भी अल्लाह ताला उसके ऊपर फैसले हिम्मत वाले करने करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा इस टाइम पे है कि नहीं, मैंने कोई पहले साइन उन नहीं किया, ये लोग ऑलरेडी बैठे वाले थे वहाँ पर सबकी सब, फहीम भी वहाँ पर ऑलरेडी बैठे वाला था। मतलब फहीम क्या चल रहा? हाँ कुछ भी नहीं है बोले, बड़े पैसे आलो को देने आले बोले ना टिकट बोले। मतलब कोई इसको दे रहे रे? अरे कोई तो भी अंबर डे रे कहते। अरे मैं क्यों ऐसा बोल रहा रे? अरे अंबर डे बोले अंबर डे। अरे मतलब कहाँ कहाँ आया रे मैं बोला उन्हें, जो उसके अंदाज में ये बात कर रहा हूँ मैं तुम्हारा को। तो मतलब फहीम एक बात बोलूँ मैं बोला, आप कैसा करेंगे? मैं बोला लोगों को क्या बोलता हूँ? मैं बोला कुछ भी नहीं रे भाई बोले, अपने लोगों को क्या है बोले, उन्होंने जाओ आदमियाँ लाओ, 10 चीज़ आ लो, 50 आदमी लाओ, 100 आदमी लाओ, ये काम लगा दिए बोले, अपने को उठेगी छूटे बोले।
मतलब फहीम अब अपने वार्ड में है कि नहीं, कोई काम कौन क्या बोल के करेगा। लोकसभा को इतने लोगों ने अपने को सबने मिल के वोट डाले बगैर कोई मुआवजे के, बगैर कोई सोचे के समझे के, आंखा बंद करके लोगों ने वोट डाले। मैं बोला तेकू, मैं बोला मेरे को खुद को, मैं बोला 5000 वोट मैंने लिया आला हूँ, मैंने 8500 वोट उनको दिलाया आला हूँ, तो फिर भी बोलते कि भाई 10% और बढ़ा के देना था, तुम्हारे लोगों ने मेहनत नहीं करे। अपन कितनी भी मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने के ऊपर कोई काम नहीं करने वाले हैं, उनको है कि नहीं, उनके लोग उनका वोट देने के काबिल नहीं समझ रहे, तो अपन क्या करेंगे। तो इसलिए है कि नहीं, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने अपने को ईमान वाले है, अपनी पार्टी इतनी बड़ी है, एक सोचने के ऊपर एक जगह जमा हो जाते लोग बगैर कुछ सोचे समझे के। असद साहब की बात के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर लोग बोलते हैं कि भाई असद साहब ने जो बात बोल दी है अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अमल होना चालू हो जाता। छोटे छोटे बच्चों में जज्बा आगा कि भाई हम जो भी काम करते वो तुम्हारा काम सही नहीं है, असद साहब ने जो बोले आला वो काम सही है बोलते बच्चे। मैं बोला आजकल का जो टाइम आ चुका है अपने ऊपर, यहाँ के अंदर देखो इतना भी एजुकेशन के मामला है, हम लोगों है कि नहीं पहली से मैट्रिक तक के स्कूल हमारे एरिया में रहते, जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज लाने की सोचते ही देना, क्योंकि वो लेवल को हमारा ख्याल जाता ही नहीं ना, गया भी तो हमको शादी खाने बनाने का है, हमको कॉम्प्लेक्स बनाने का है, हम के यहाँ से काम नहीं करने का है ना, हमारा इरादा वहाँ से कि नहीं इधर से पैसे आते, इधर से कौम तैयार होने का है ना, हम में से मुस्लिम में से कोई तैयार होगा तो हमारे से कोई आगे जाएगा ना, तो हम तैयारी करने का नहीं सोच रहे ना, और वहीं जगह पे ख़त्म हो जाना। पहली से मैट्रिक तक उन्हें आता और वहाँ जाओ बोले कॉलेज को तो नहीं आता, कॉलेज करीब में रहना अपने एरिए मुस्लिम, यहाँ हेल्थ क्लब का इंतजाम करना, और भी है कि नहीं यहाँ पर है कि नहीं जितनी भी सुख सुविधा है इंशाअल्लाह ताला, मैं आमदार आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, आमदार बनाएंगे आप लोग मुझे कामयाब करेंगे, तो मैं पहला काम आपसे मशवरा करे बगैर कौन सा भी काम नहीं करूँगा। आप लोगों को पहले पूछूंगा भाई यहाँ की जो ज़रूरत है अपने को पहला काम कौन सा चाहिए, एजुकेशन के ऊपर चाहिए कि दवाखाने के लिए ऊपर चाहिए कि हर, हमको जो भी काम करने का रहेगा आपसे मशवरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने मुझे 21 तारीख को पतंग निशानी को वोट देकर कामयाब बनाइए, इतना कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।